अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ शुमाला सुहेब और आज के व्लॉग में आपको वेलकम करते हैं। सुबह के 10 बज रहे हैं और ये देखें, हर तरफ फॉग छाई हुई है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और आज हमारे नेबर में शादी भी है तो हमने उस शादी की प्रिपरेशन भी करनी है। फॉग में ऐसे लगता है पता नहीं इंसान कौन सी दुनिया में रह रहा है। आज के सारे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे नेबर्स में शादी है, आज मेहंदी का फंक्शन है तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जो दोस्त पहली बार तशरीफ़ लेकर आए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनका जी बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखें, ऐसा लग रहा है इंसान जन्नत में किसी वादियों में घूम रहा है। हमें किसी हिल स्टेशन जाने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे नेबर्स में शादी है तो आज मेहंदी का फंक्शन है, तो मेहंदी के फंक्शन को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने ये ड्रेस सेलेक्ट किया है। ये वेलवेट की इसकी शर्ट है, बाजुओं पर काम हुआ हुआ है, फुल काम हुआ हुआ है और गले पे थोड़ा सा काम है, बाकी ये फुल लॉन्ग मैक्सी है। इसकी बैग भी आपको दिखाते हैं। इसकी बैग बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ टसल्स लगे हुए हैं, बाकी बिल्कुल सिंपल। फुल लॉन्ग फ्रॉक के साथ ये इसका दुपट्टा है, काफ़ी जो है दुपट्टा काफ़ी हैवी है। मैं आपको पहले बता दूं, वैसे मैं मेकअप एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आजकल जो बेसिक मेकअप है वो तो हर लड़की को आता है, तो इस ग्रीन ड्रेस के साथ जो मैंने मेकअप किया था वो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर कर रही हूँ। जब हम आईज़ को खोलते हैं, जो हमारी क्रीज लाइन बनती है उसके ऊपर मैं ब्लैक शेड लगा रही हूँ और उसको अच्छे से मर्ज कर रही हूँ। जितना आप अच्छे से उस कलर को ब्लेंड करेंगे आपको उतनी अच्छी जो लुक आएगी। फिर उसके बाद मैंने ब्राउन कलर लिया और जहाँ ब्लैक मैंने लगाया था उससे ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, मैं ब्राउन कलर को मर्ज कर दूँगी। उसके बाद जो मेरे ड्रेस का कलर ग्रीन था, मैंने ग्रीन कलर लिया और अपनी आई लिड पर सारा वो ग्रीन जो है वो फिल कर लिया और आँख के नीचे भी लगा दिए ताकि आंख जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लगे। रेडी होके हम निकल पड़े हैं और फंक्शन अटेंड करने के लिए। ये जी पार्क है, पार्क में उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया हुआ था और इतनी ठंड थी ना, ओह बहुत ज़्यादा ठंड थी। हालांकि इनका फंक्शन 8:30 बजे था लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए, 9 बजे या 9:30 इनका फंक्शन स्टार्ट हुआ है। खैर, आपको पता है ठंड की वजह से, फॉग की वजह से हर चीज़ लेट हुई हुई है। शरारा न पहने बसाची, नहीं रहती लाहौर वो रहती कराची, लगाती वो खुद खिलाती वो फूल, डैमिक में डैमिक में फील सो गुड। मन खुदी है तू यूके की, आग मग तुझे यूके की, आंसू मग तुझे लता दी थी, क्यों सुन तू तू का दी थी, नॉटी लड़की। तुझे दूम 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 बेरी शकल का बूम दूम दूम शकल का बूम दूम शकल का बूम दूम शकल का बूम दूम दूम
शादी के फंक्शन से हम फ्री हो गए हैं और हम घर आ रहे थे और इतनी फॉग थी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ये तकरीबन रात के 12 बजे का टाइम है और जब हमारा दिन जब स्टार्ट होता है तब फॉग होती है, जब हमारा दिन एंड होता है तब हमारी फॉग होती है। पाकिस्तान में तो जी यही आजकल मौसम चल रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।